व्लॉग एंड सबसे पहले मैंने सुबह सुबह उठ के फटाक से नाश्ता कर लिया और यहाँ पे हमारी सुंदरी रेडी होके आ चुकी है और हमने सुंदरी को निकाला बाहर। आज हम सुंदरी को लेके जा रहे हैं हमारे फार्म। तो हम यहाँ पे फार्म हाउस पे पहुंच चुके हैं, आधे फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं और आधे आने बाकी है। और मेरी दीदी पूना से आई है और वो टीचर है और वो भी काफी अच्छा खाना बनाती है। बाकी फैमिली मेंबर्स तब तक आ रहे थे, तब तक हमने कर दी मटन की प्रिपरेशन। चूल्हे पे एक पतीला रखा और उसमें प्याज को भूना, तब तक हमारी दीदी आ चुकी थी। फिर छोटी वाली दीदी बड़े वाली दीदी को लेने के लिए चले गए। यहाँ पे हमारे दादाजी भी हमारे हेल्प कर रहे थे खाना बनाने में और यहाँ का एटमॉस्फेयर आप देख सकते हो। और जहाँ पे हम खाना बना रहे थे वहाँ पे काफी सारी छांव आ चुकी थी, इसीलिए हमें खाना बनाने में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बाहर देख सकते हो आप कितनी ज्यादा धूप है, बहुत तेज धूप थी। फिर हमने फिर से खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और हमारे बड़े वाले दीदी काफी अच्छा खाना पकाते हैं, उन्होंने मटन की सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया और इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी, मुझे देख के मुंह में पानी आ रहा था और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि देखते ही भूख लग रही थी। और इतनी अच्छी सब्जी बनी थी, स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही थी, मुझे तो देख के अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है और मुझे काफी भूख लगी थी। फिर उसमें गया ऊपर से फ्रेश फ्रेश हरा धनिया और ये भी हमारे फार्म का ही है। और यहाँ पे मेरी बुआ ने उस पे ऊपर से हरा धनिया डाल के उसमें चार चांद लगा दिए। फिर हम लोग, हमसे रहा ही नहीं जा रहा था, फिर हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठ गए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।